पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब पाकिस्तान से आजादी की मांग बलूचिस्तान के अलावा विदेशों में भी सुनी जाने लगी है। बलूचिस्तान के लोगों ने लंदन में चीनी दूतावास के बाहर बलूचिस्तान में बन रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध किया। वहीं इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि न सिर्फ बलूचिस्तान के लोग बल्कि सिंध के लोग भी अब पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। जर्मनी के लीपजिग और पीओके में पाकिस्तान विरोधी नारे लगने के बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें लंदन और सिंध से आई। लंदन में चीनी एम्बेसी के सामने बलूचिस्तान के लोगों ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट के दौरान बलोच और सिंधी नेताओं ने पीएम मोदी फॉर बलूचिस्तान और कदम बढ़ाओ मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। बलोच नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनकी जमीन पर उनकी मर्जी के खिलाफ न सिर्फ चीन के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट लगा रहा है बल्कि उन्हें उनकी सरजमी से बेदखल करने की कोशिश भी कर रहा है। प्रोटेस्ट लंदन में मुकीम बलोच और सिंधी कम्युनिटी की जानिब से चाइना एम्बेसी के बाहर किया जा रहा है। इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि बलोच और सिंधी कौम सी पैक नामी चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि बलोच और सिंधी कौम के खिलाफ एक नई नस्ल कुशी का तसलसल और बलोच कौम को अपने ही सरजमीन पर माइनॉरिटी में तब्दील करने का जो नया ड्रामा रचाया जा रहा है उसके खिलाफ है। हमारी धरती हमारी वसाइल हमारी जो कोस्टल लाइंस हैं और उन पे मुकम्मल कब्जे का प्रोजेक्ट है। ये हमें मुकम्मल तौर पे अपने मादरी वतन में अकलियत में तब्दील करने का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इज़ नॉट प्रोजेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, ये हमारे बलोच और सिंधी कौम की लिए एक जिंदगी और मौत का मसला। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बाद अब सिंध प्रोविंस में भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठने लगी है। सिंध प्रांत में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान से आजादी के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान में जितने हिंदू बचे हैं उनमें सबसे ज्यादा सिंध प्रोविंस में रहते हैं। सिंध में हिंदू व्यापारियों का खासा प्रभाव रहा है। 1947 से पहले यहां गुजराती बोलने वाले पारसी कम्युनिटी के लोग भी रहते थे। पाकिस्तान बनने के बाद जैसे जैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे हिंदुओं के लिए सिंध में रहना मुश्किल हो गया। वहीं लंदन और सिंध प्रोविंस में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध हुआ तो चीन तिलमिला उठा। चीन के स्टेट सिक्योरिटी के मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक ने कहा कि भारत को इस मामले में दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। चीनी थिंक टैंक ने कहा कि यह पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति में निर्णायक मोड़ हो सकता है। चीनी बुद्धिजीवियों की चिंता की वजह यह है कि भारत ने पहली बार बलूचिस्तान का जिक्र किया है। चीन को इस बात का डर है कि भारत पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में सरकार विरोधी तत्वों का इस्तेमाल कर सकता है जहां चीन CPEC में $46 अरब का निवेश कर रहा है। थिंक टैंक ने कहा कि अगर भारत के किसी षड्यंत्र ने बलूचिस्तान में $46 अरब लागत की परियोजना को बाधित किया तो फिर चीन को मामले में दखल देना पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत लगातार CPEC का विरोध करता रहा है क्योंकि ये परियोजना उस गिलगित बलूचिस्तान और कश्मीर के उस हिस्से से होकर गुजरेगी जो दरअसल हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। वही सवाल ये भी उठता है कि क्या चीन को सिर्फ अपने मुनाफे की ही चिंता है बलूचिस्तान के उन लोगों की नहीं जिन पर जुल्म ढाकर पाकिस्तान उन्हें उनकी ही जमीन से दूर कर रहा है। इंटरनेशनल डेस्क इंडिया 24/7।